हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज मात्राएं। आज हम हिंदी में कर रहे हैं मात्राएं, तो मैं आपको दो मात्राओं के बारे में बताऊंगी, एक छोटी ई और बड़ी ई की। जो छोटी ई की मात्रा है उसकी आवाज आती है ई, और जो बड़ी ई की मात्रा है उसकी आवाज भी कैसी होगी, बड़ी, उसकी आवाज कैसी होगी, ई। तो यहां मैं आपको राइट करके बताऊंगी, ये है ई। तो इसको कैसे हम रीड करते हैं, अ आ इ, तो इसको कैसे बोलते हैं, इ। तो इसकी मात्रा कौन से हैंड से आएगी, लेफ्ट हैंड से, इस साइड को लगेगी, लेफ्ट हैंड से इस साइड। और बड़ी ई का क्या डिफरेंस है इसमें, जो बड़ी ई है अब छोटी की और कैसे आती है, और जो बड़ी ई है उसके बाद कैसे आएगी, ई। तो यहाँ बड़ी ई थी, यहाँ ई। और इसकी मात्रा कौन सी हैंड से लगेगी, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड वाली साइड को, इस साइड से। ये कौन सी मात्रा हुई, बड़ी ई की। और देखने में भी जब आप उनको देख रहे हो, छोटी और बड़ी ई को, तो देखने में भी डिफरेंस लग रहा है कि ये छोटी हो ई, और ये इसके हेड के ऊपर भी लगी हुई है तो ये बड़ी। तो इसकी आवाज भी बड़ी होगी। जब हम बड़ी की मात्रा के शब्द बोलते हैं, कोई शब्द हम बोल रहे हैं, तो उसको बोलने में ज्यादा टाइम लगता है, और जो छोटी ई की मात्रा है उन शब्दों को बोलने में कम समय लगता है, कम टाइम लगता है, तो वो छोटी की मात्रा के शब्द होंगे। जैसे मान लो हमने यहां लिखा है मी, तो ये क्या बना, मी। ल मिल, और जब हमने इस शब्द को रीड किया तो कैसे किया हमने, मिल, कैसे बोला हमने, मिल। अब नेक्स्ट शब्द है खिल, खी। खी। लो। खिल। तो नेक्स्ट शब्द हमने क्या लिखा, खी ल खिल। अब इनके बाद लिखेंगे हम दिल, ल दिल, दिल। क्योंकि ये जो छोटी ई की मात्रा है, जब हम इसको लिखते हैं या पढ़ते हैं तो कम समय लगता है, जैसे हम बोले दिल ल दिल। अब हमने लिखा नेक्स्ट शब्द दिन, दिन, दि, न, दिन। तो इस मात्रा के शब्द जब हमने लिखे तो उनको बोलते वक्त क्या है, कम समय लगा और आराम से बोलेंगे। अब ये जो बड़ी की मात्रा के शब्द हैं, जब हम ये वाले शब्द बोलेंगे ई, तो इनको बोलते वक्त, इन शब्दों को बोलते वक्त थोड़ा ज्यादा समय लगता है, और इनकी आवाज कैसी आती है, लंबी आवाज आती है। जैसे हमने लिख रहे हैं कली, क ली, तो क्या बना, कली। जब आप खुद रिपीट करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि जब हम ये वाली मात्रा के शब्द बोल रहे हैं बड़ी की, तो कैसे बोली जा रही है, कितना टाइम लग रहा है और कैसे आवाज आ रही है, क ली कली। अब इसके नीचे लिखेंगे हम फली, फली, फ, फ, जिस अक्षर की आवाज होगी, जैसे फ की है, म की है, न की है, और जिस अक्षर के साथ मात्रा की आवाज आएगी आपने उसी के साथ लगानी है। अब यहां सिर्फ खाली कौन से अक्षर की आवाज आ रही है, फ ली,
जब हम ली बोल रहे हैं तो कैसी आवाज आ रही है, लंबी आवाज आ रही है और उस मात्रा को बोलते वक्त थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, तो मतलब ये कौन सी मात्रा होगी, बड़ी ई की, फली। क्या लिखा हमने, फली। अब अगला शब्द हम लिखेंगे पानी। क्या लिखेंगे, पानी, पानी। अब प के साथ कौन से मात्रा की आवाज आ रही है, आ की, पा। तो क्या बना ये, पा नी। जब हम नी बोल रहे हैं तो कौन सी मात्रा की आवाज आ रही है, नी, बड़ी ई की, पानी। अब हम नेक्स्ट शब्द लिखेंगे नीला, 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 नी। जब मान लो यहां आवाज आती नी, तो आपने यहां से मात्रा लगाई थी, आप आवाज कैसे आ गया नी, तो बड़ी की मात्रा नी ला, नीला। तो हमने क्या शब्द लिखा, नीला। ऐसे आपको छोटी और बड़ी की मात्रा के बारे में पता चलेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे ये छोटी की मात्रा है, छोटी है उससे वो देखने में बड़ी लग रही है, इट मींस वो बड़ी की मात्रा है। इसके बाद कैसे आएगी, इक, और उसके बाद कैसे आएगी, ई, बड़ी। और ये कौन से हैंड से लगेगी छोटी की मात्रा, लेफ्ट हैंड से इस साइड, और जो बड़ी की मात्रा है वो जिससे आप खाना खाते हो, राइट करते हो, उस हैंड से लगेगी इस साइड, बड़ी की मात्रा। ये देखो कैसे लगी है, तो ये इन दोनों मात्राओं में डिफरेंस है। और जब हम छोटी की मात्रा का शब्द लिखते हैं तो उनको बोलते वक्त कम समय लगता है और वो जो भी शब्द है वो आराम से बोले जाते हैं। जैसे हमने लिखा मिल, खिल, दिल, दिन, तो ये छोटी की मात्रा के शब्द थे। जब हमने इनको शब्दों को रीड किया तो ये बड़े आराम से बोले गए और ना ही इनमें बोलते वक्त ज्यादा समय लगा। अब ये बड़ी की मात्रा के शब्द हैं, जब हम इनको रीड करेंगे, रीड करेंगे, तो जब भी कोई भी शब्द आप बड़ी की मात्रा का रीड करोगे तो उनको बोलते वक्त ज्यादा टाइम लगेगा और आवाज कैसे आएगी, बड़ी, लंबी, मतलब बड़ी की, क, ली, कली, ये बड़ी की मात्रा। नेक्स्ट है शब्द फ, ली, फली। अब आपने मात्रा का भी ध्यान रखा है कि हमने कौन से साइड से मात्रा लगाई है, ठीक है। जैसे फ, ली, अब हमने अक्षर लिखा है उसके बाद यहां से मात्रा लगाई है, मीन्स ये बड़ी ई की मात्रा है, फली। नेक्स्ट शब्द लिखा हमने पा, तो ये आ की मात्रा है, नी। न को मैंने बोला था ना आपको कि राइट हैंड से इस साइड को मात्रा लगेगी, बड़ी की, पा नी, ये हमने इस साइड को मात्रा लगाई है, पानी। और नेक्स्ट शब्द है नी, नी, आवाज से ही पता चल रहा है कि बड़ी की मात्रा आएगी, नी। न को बड़ी की मात्रा, ये देखो अक्षर लिखा उसके बाद हमने मात्रा लगाई बड़ी की, तो क्या बना, नी ला, नीला। ऐसे आपने छोटी और बड़ी की मात्रा की आवाज सुननी है कि कौन सी मात्रा की आवाज आ रही है, छोटी आ रही है, छोटी मात्रा लगानी है, छोटी की लगानी है, बड़ी की मात्रा की आवाज आ रही है तो बड़ी की मात्रा। ऐसे छोटी और बड़ी के डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, तब आप बिल्कुल अच्छे से छोटी और बड़ी की मात्रा लिख सकोगे। थैंक यू।